हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं देखें आज के सेशन की। आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 36 में पीटीटी और बीएसटी से इंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, आज ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का। देखिए कलेक्शन अभी तक देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो देखिए सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि वो भी इस सेशन का आनंद ले सके। देखिए तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए आज के सेशन की। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिक भेदों का, प्रेरणा व पुनर्मिलन के प्रभाव का, या फिर वंशानुक्रम व वातावरण का, या फिर ध्यान व रुचि का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रेरणा व पुनर्मिलन के प्रभाव का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। देखिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन देखिए किसने कहा था? जो मनोविज्ञान है यह मन का विज्ञान है, यह कथन देखिए किसने कहा था? अरस्तु का था, रेवनी का, डेकार्ट का, या फिर स्किनर का। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो यह कथन देखिए किसका है? स्किनर का, प्लेटो का, या फिर पी एन झा का। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका संबंध किससे है? मात्र मनोविज्ञान से, या फिर मात्र शिक्षा से, या मात्र दर्शन से, या फिर सभी विषयों से। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह मात्र मनोविज्ञान से भी संबंध रखता है, मात्र शिक्षा से भी संबंध रखता है, और दर्शन से भी। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी दर्शन का यहाँ देखिए अर्थ क्या है, जो हमारे पौराणिक दर्शन है, जो पौराणिक जो आदर्श है, जैसे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे व्यक्ति है, इनका भी देखिए अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी विषयों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। छात्रों में श्रम का महत्व है भावना का क्या अर्थ है? छात्रों में जो श्रम का महत्व है, यानी हम श्रम का महत्व बताते हैं बालकों को, इस भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक क्रम करने से, जो शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं करता। देखिए बच्चों को बताना चाहिए कि यदि हम शारीरिक श्रम करेंगे, शारीरिक कार्य करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मान सम्मान देखिए नहीं घटेगा। सभी काम सम्मान रूप से इज्जत वाले हैं, या फिर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या फिर ये सभी। तो देखिए छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से देखिए मान सम्मान नहीं गढ़ता। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। दूसरे व्यक्तियों में संवेग देखकर हम उनका करने लगते हैं। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनमें संवेग देखकर, यानी संवेग देखिए क्या होता है, जो हम जो रोना हंसना ये क्या हो गया, संवेग हो गया, जो गुस्सा आता है उसे क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो देखिए दूसरे व्यक्तियों में संवेग देकर हम उसका क्या करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं, या फिर घृणा करने लगते हैं, या फिर अनुभव, या फिर अपने आप का दमन करने लगते हैं, यानी अपने आप से देखिए ईर्ष्या करने लगते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा,
संवेग करने वाले व्यक्ति को देखकर हम क्या करते हैं, उससे देखिए अनुभव लेते हैं। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। देखिए अनुकरण क्यों करेंगे, यदि एक व्यक्ति रोएगा या फिर क्रोध करेगा तो क्या हम भी क्रोध करेंगे, देखिए नहीं करेंगे। हम उससे घृणा क्यों करेंगे, क्या पता वो हंस रहा होगा तो क्या हम उससे घृणा करेंगे, हमें देखिए ये अधिकार नहीं है घृणा करने का, हम क्या करेंगे उससे अनुभव प्राप्त करेंगे। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निष्क्रिय जो सहानुभूति होती है वह होती है मौखिक, लिखित, कृत्रिम या फिर मौखिक व कृत्रिम। तो देखिए जो निष्क्रिय सहानुभूति होती है यानी बिना किसी क्रिया के सहानुभूति दी जाती है वो कैसी होती है, मौखिक व कृत्रिम होती है। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है। जो स्किनर वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक, इसने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए स्किनर मनोवैज्ञानिक ने 2 प्रकार के पुनर्बलन का प्रयोग किया है। 2 प्रकार के पुनर्बलन देखिए कौन से है, एक तो सकारात्मक पुनर्बलन, फर्स्ट है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए 2 प्रकार के पुनर्बलन का प्रयोग किया है, एक तो सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो देखिए सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, जब हम बच्चे की प्रशंसा करते हैं, उसे पुरस्कार देते हैं तो उसे कहते हैं क्या, सकारात्मक पुनर्बलन देना, यानी उसे शाबाशी देना, उसे पुरस्कार देना, तो उससे क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बलन होगा। और यदि हम उस बच्चे को डांटेंगे, धमकाएंगे और उसे देखिए पीटेंगे तो वो क्या होगा, देखिए नकारात्मक पुनर्बलन होगा। तो देखिए बच्चे को किस प्रकार का, देखिए समय के अनुसार यानी जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार पुनर्बलन देना चाहिए। तो देखिए स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है, 2 प्रकार के पुनर्बलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जो कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है वह किस नाम से देखिए जाना जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, कोहलर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत से। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। देखिए जो कोहलर है इसने अपने प्रयोग में क्या किया, देखिए सबसे पहले उद्दीपक दिया यानी कुछ उद्दीपन दिया, पुनर्बलन दिया और उसके बाद में देखिए अनुक्रिया करवाई। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। जो अधिगम होता है इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, प्रेरणा, उचित वातावरण, परिपक्वता या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अधिगम को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, प्रेरणा भी करती है, उचित वातावरण भी देखिए सीखने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ भड़ाके वाला देखिए वातावरण हो और वहाँ हमें पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए तो क्या हम सीखेंगे, देखिए नहीं सीख सकते। तो देखिए उसके लिए शांत वातावरण देखिए होना चाहिए और हमें देखिए यदि मोटिवेशन मिलेगा, हमें उस लक्ष्य की जानकारी होगी तभी हम देखिए अच्छा सीख सकते हैं। और बच्चा उस स्तर के अनुकूल भी होना चाहिए यानी जो वह सीख रहा है उसके स्तर के देखिए अनुकूल भी होना चाहिए यानी उसके अनुसार वह परिपक्व भी देखिए होना चाहिए। तो ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से नहीं हो। अब देखिए क्या नहीं हो, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से तत्पर नहीं हो या फिर सूझबूझ वाला नहीं हो या परिपक्व नहीं हो या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी एक व्यक्ति अधिगम तभी संभव बना सकता है जब तक वह उस व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक रूप से वह तैयार नहीं हो
यदि व्यक्ति तैयार नहीं होगा तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और रहेगा तो वह अधिगम देखिए अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। और सूझबूझ वाला एक व्यक्ति होगा, वह सूझबूझ वाला देखे होना चाहिए और परिपक्व भी देखे होना चाहिए, यानी उस स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए सॉरी, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या नहीं हो, तत्पर नहीं हो, यानी तैयार नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति अधिगम करने के लिए तैयार नहीं होगा तो क्या उसे सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी देखिए नहीं होगा। यदि व्यक्ति सूझबूझ वाला होगा तो उसे अधिगम करने की जरूरत क्यों है? यदि व्यक्ति सूझबूझ वाला होगा तो उसे अधिगम करने की देखिए जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए ही देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो छात्र कैसा हो, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या फिर अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, या फिर यदि शिक्षक बन जाए तो वह समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अध्यापक को अपने किस छात्र पर गर्व करना चाहिए? ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है देखिए उनका करेक्ट आंसर है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को, किसे उन्नत करने को, यानी जो कक्षा में जो समूह क्रियाएं होती है वो किसको प्रोत्साहित करती है? प्रतिस्पर्धा को, मित्रता को, सहयोग को, या फिर दुश्मनी को? तो देखिए जो कक्षा में सहयोगी क्रियाएं होती है उससे क्या उन्नत होता है? सहयोग की भावना देखिए उन्नत होती है, ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। देखिए ये हम कह नहीं सकते बच्चे किस प्रकार के हैं, यदि वह सहयोग की सहयोग में कुछ कार्य करेंगे, सामूहिक कार्य करेंगे, तो क्या पता उनमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी देखिए उसमें आ सकता है, क्या पता वो मित्र भी बन सकते हैं या दुश्मनी भी देखे ले सकते हैं। तो उससे उन्नत क्या होगी? देखिए सहयोग की भावना विकसित होगी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह किससे संबंधित है? यानी देखे बहुत ही अच्छी बात है, हम देखे जो भी नया काम करते हैं उसे हम क्या हमारे अंदर व्यवहार में देखे ले लेते हैं, तो यह किससे संबंधित है? परिणाम के नियम से, या फिर आत्मिकरण के नियम से, या फिर आंशिक क्रिया के नियम से, या फिर अभ्यास के नियम से? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर होगा, आत्मिकरण के नियम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं? गामक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह क्या है? जो प्रारंभिक कक्षाएं होती है, जो 1 से 5वीं तक जो कक्षाएं होती है उसमें सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह कौन सी है? निरीक्षण विधि, यानी निरीक्षण जांच करके जो विधि प्रयुक्त लिया जाता है वह विधि, या फिर कार्य विधि, या सामूहिक विधि, या वाद विवाद विधि? तो देखिए यदि हम प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में यदि वाद विवाद करेंगे तो उससे क्या होगा, वो झगड़ा देखे करने लग जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन डी गलत होगा, सामूहिक विधि। देखिए यदि प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को यदि समूह के रूप में देखे छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, या तो खेलने लग जाएंगे, या फिर एक दूसरे बच्चों के साथ, यानी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, झगड़ा करने लग जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन सी भी गलत होगा। जो प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह कौन सी है? कार्य विधि, यानी बच्चों को जितना अधिक कार्य देंगे उससे क्या करेंगे, वह सीखेंगे। तो ऑप्शन बी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है, छात्र होते हैं उनके द्वारा विचार विनिमय कब किया जाता है?
किसी विशेष स्थिति में या फिर वाद विवाद विधि में या सम्मेलन व विचार गोष्ठी में या फिर प्रोजेक्ट में। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए प्रोजेक्ट में तो विचार विमर्श किससे करेंगे, देखिए अध्यापक से, देखिए विचार विमर्श करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सम्मेलन व विचार गोष्ठी में देखिए विचार विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के बिना संभव नहीं है, सीखने के बिना क्या संभव नहीं है, बच्चे में वृद्धि करना, उसमें उत्तेजना लाना, अभी वृद्धि करना या फिर ऊपर के दोनों। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, वृद्धि और उत्तेजना करना, ये सीखने के बिना संभव नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। जो बच्चे होते हैं उनमें जो स्व अनुशासन होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है, उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, यानी वह अनुशासन में नहीं रहे तो उन्हें दंड देकर, या फिर उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए लाभ तो सभी बता सकते हैं, क्या उससे बच्चे अनुशासन में नहीं रहेंगे क्या, देखिए नहीं रहेंगे अनुशासन में। तो देखिए ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर होगा, उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में वंचित वर्ग के में शामिल होते हैं, यानी कि इनमें से वंचित वर्ग में कौन कौन से वर्ग शामिल होते हैं, अनुसूचित जाति, विकलांग बालक, या फिर अनुसूचित जनजाति, या फिर उपरोक्त सभी। यानी जो अनुसूचित जाति वाले लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, क्या वो वंचित वर्ग में शामिल होते हैं और क्या विकलांग शामिल होते हैं। तो आपको बताना है देखिए राइट आंसर क्या होगा, वंचित वर्ग में देखिए कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो देखिए अनुसूचित जाति वाले लोग भी शामिल होते हैं, विकलांग बालक भी शामिल होते हैं, और अनुसूचित जनजाति वाले बालक भी देखिए शामिल होते हैं। तो देखिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया है देखिए उनका करेक्ट आंसर है। देखिए क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और यदि आपको देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए आप सेशन को लाइक ज़रूर करना है, आपको सेशन को देखिए लाइक ज़रूर करना है यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। और यदि आज ही आप इस चैनल पर जुड़े हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि देखिए डेली नोटिफिकेशन क्लास का आपको मिलता रहे। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास क्लास का नोटिफिकेशन देखिए नहीं आता, तो क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने देखिए बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा, इसलिए देखिए नोटिफिकेशन नहीं आता। नहीं देखिए यदि आपने बेल आइकन देखिए प्रेस किया हुआ है तो क्या होगा, आपके पास यदि क्लास आएगी, जैसे हमारी क्लास कितने बजे आती है, 4 बजे आती है, तो देखिए 4 बजे आती है तो उससे देखिए आधे घंटे पहले आपके लिए क्या आ जाएगा, देखिए नोटिफिकेशन देखिए आपके लिए आ जाएगा। तो आपको देखिए बेल आइकन को प्रेस करना है, 1 घंटे सी है उसे देखिए प्रेस करना है आपको। और यदि आज ही आप इस चैनल पर जुड़े हो तो देखिए प्लेलिस्ट में आपके 35 वीडियो देखिए शिक्षण अभिरुचि के आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको देखिए वो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, क्लास को देखने के लिए देखिए सभी को धन्यवाद।